कोई इंसान अपने जीवन के भौतिक, आध्यात्मिक या किसी भी आयाम में कितनी दूर जाएगा, ये मूल रूप से इस पर निर्भर करता है कि उसमें कितनी ऊर्जा भरी हुई है। बहुत से लोगों में ढेर सारी ऊर्जा है, उनके अंदर इस ऊर्जा को एक तरह की व्यक्तिगत शक्ति में रूपांतरित करने का ज्ञान या जरूरी प्रणालियां नहीं है। शक्ति किसी और के बारे में नहीं होती, आपकी शक्ति की संभावनाएं आपके जीवन की तीव्रता और गहराई को तय करती हैं कि आप अपने जीवन में जिस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं उसमें कितने प्रभावी होंगे। अगर आपको ये शक्ति चाहिए तो आपको अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल बुद्धिमानी से करना होगा। Energy can be aggregated into power. ऊर्जा को शक्ति के रूप में इकट्ठा किया जा सकता है जरूरी ज्ञान और जरूरी साधनों की मदद से, वरना बस अंतहीन विचारों, अंतहीन प्रतिक्रियाओं और चिंताओं से ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है। अगर सृष्टिकर्ता जितनी शक्तिशाली चीज को आपके अनुभव में आना है तो आपके अंदर शक्ति की एक भावना होनी चाहिए। जब आप में इस शक्ति की संभावनाएं होती हैं, तब आप इस जीवन से सहजता से गुजरते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपकी सामाजिक स्थिति क्या है, आर्थिक स्थिति, भौतिक स्थिति क्या है, आप एक राजा की तरह चलते हैं क्योंकि आपके भीतर की शक्ति आपको इस तरह चलाती है। देखिए, इस बात के वैज्ञानिक प्रमाण हैं कि अभी जब आप यहां आराम की स्थिति में बैठे हैं, आपकी कम से कम 20% ऊर्जा आपके दिमाग में खर्च हो रही है। मैं चाहता हूं कि आप अपने दैनिक जीवन को ध्यान से देखें। एक सरल सी चीज, बस मान लीजिए दिन में आप कितने शब्द बोलते हैं। कल एक अनुमान लगाइए कि सुबह से रात तक आप कितने शब्द बोलते हैं। परसों उसे 50% तक कम कर दीजिए और वही चीजें कहिए। आप लोगों से संवाद खत्म नहीं कर रहे, आप अभी संवाद कर रहे हैं मगर 50% कम शब्दों के साथ। आप देखेंगे कि आपके अंदर काफी व्यक्तिगत शक्ति विकसित होगी। Your brain is not unnecessarily fluctuating and अगर आप अपने दिमाग का बिना वजह अस्थिर होना और हर समय पागल की तरह कूदते रहना कम कर दें, अगर वो स्थिर रहना सीख ले और सिर्फ वही करे जो जरूरी है, तो जबरदस्त व्यक्तिगत शक्ति पैदा होगी। आप अभी अपने मन के साथ ऐसा नहीं कर सकते, अगर आप उसे रोकने की कोशिश करेंगे तो वो और भी पागल हो जाएगा। कम से कम अपने शरीर के साथ ऐसा करें, अपने शब्दों और अपनी शारीरिक गतिविधि को 50% तक कम करें। अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो इसे देखें, उसे देखना चाहते हैं उसे देखें, ऐसे ऐसे मत कीजिए। अगर आप अपने शरीर और शब्दों के साथ ऐसा करते हैं तो ये धीरे धीरे आपके मन में भी प्रकट होने लगेगा। वो अनावश्यक चीजें नहीं करेगा। जब आप गैर जरूरी चीजें नहीं करते तो आपके अंदर जो ऊर्जा है वो धीरे धीरे खुद को संभावनाओं से भरी शक्ति में बदल देती है। तो इसे विकसित करने के लिए जो आसन आप कर रहे हैं, जो सूर्य नमस्कार आप करते हैं या जो भी दूसरी क्रियाएं और बाकी चीजें आप करते हैं, वो मुख्य रूप से इस शक्ति को बढ़ाने के लिए है। इसे अनावश्यक कार्य में नष्ट नहीं करना चाहिए। देखिए, हमें इसे समझना चाहिए कि मंत्र जैसी एक चीज होती है, ठीक है? मंत्र मतलब हम इसे एक शुद्ध ध्वनि कहते हैं। एक ध्वनि शुद्ध क्यों है और दूसरी क्यों नहीं, बात वो नहीं है। मेरा मतलब है कि मंत्र की ध्वनि महत्वपूर्ण है, न कि मंत्र का अर्थ। अर्थ केवल आपके मानसिक स्तर पर मौजूद है। इंसानी मन को छोड़कर ब्रह्मांड में कहीं भी कोई अर्थ नहीं है, पर ध्वनि है, क्योंकि ध्वनि एक गूंज या कंपन है। और आज आधुनिक विज्ञान इस बारे में बात कर रहा है कि कोई पदार्थ नहीं है, हर चीज एक गूंज है, यानी बस ऊर्जा कंपित हो रही है। तो ध्वनि ब्रह्मांड का एक सच है, अर्थ एक मानसिक रचना है। ज्यादातर लेकिन मूल रूप से पूर्व में सीखने की पद्धतियों के रूप में जो भेंट किया जा रहा है, मोटे तौर पर उसका मर्म है ध्वनि का प्रभाव। कैसे? क्योंकि सृष्टि को ध्वनियों के एक जटिल मेल के रूप में देखा जाता है, और कुछ ध्वनियां चाबी की तरह हैं। तो कोई भी मंत्र
अपनी ध्वनि की वजह से महत्वपूर्ण है। अर्थ एक मानसिक और सामाजिक रचना है। Meaning is meaningless, really. But sound exists. अर्थ वास्तव में अर्थहीन है, पर ध्वनि मौजूद है। ये एक विज्ञान है जिसमें हम ध्वनि के इस्तेमाल से अपने अंदर और आसपास एक तरह का माहौल बनाते हैं। अर्थ तो बस हम खुद ही गढ़ते हैं। फिलहाल आप अपने मन में आने वाले विचारों की संख्या को कम नहीं कर सकते, उसे भी किया जा सकता है अगर आप बस अपने अंदर एक स्पंदन लाएं, एक सरल मंत्र। जब ये पागल हो रहा हो, बस कुछ समय तक इसका जाप करें, एक तरह का स्पंदन पैदा करें। आप देखेंगे कि उससे जबरदस्त व्यक्तिगत शक्ति पैदा होगी। अपने अंदर इस शक्ति के बिना आप जीवन के आयामों को पार नहीं कर पाएंगे। सभी ध्वनियां मजबूरी के अलग अलग रूपों और आयामों का ही एक रूप हैं। जब कोई सचेतन होना चुनता है और मजबूर करने वाली चीजों से दूर होना चाहता है, तो वो स्वाभाविक रूप से चुप रहना चुनता है। Silence does not mean shutting your mouth silence, plugging your ears silence. अंग्रेजी भाषा में नो साउंड के लिए कोई शब्द नहीं है। हम इसे निशब्द कहते हैं। इसका अर्थ है ध्वनि बिल्कुल न होना, ध्वनि का पूर्ण अभाव। ध्वनि न हो तो प्रतिध्वनि भी नहीं होगी। प्रतिध्वनि नहीं होगी तो जीवन नहीं होगा। जीवन के नहीं होने से सृष्टि नहीं होगी। सृष्टि न होने का अर्थ है सृष्टा भी नहीं होगा। तो एक स्थान जो सृष्टि और सृष्टा से परे है, एक आयाम जो जीवन और मृत्यु से परे है, उसे निशब्द कहा जाता है। ये किया नहीं जा सकता, आप ये बन सकते हैं। आमतौर पर ये बताने के लिए दो शब्दों का प्रयोग किया जाता है। एक है मौन, यानी आप चुप्पी का अभ्यास कर रहे हैं, आप चुप नहीं हैं। तो मौन होने या इस संभावना का एक अर्थ है becoming silent. Also, स्थिर हो जाना, पूरी स्थिर हो जाना। इस शरीर को और इस मन को स्थिर करने के लिए कुछ कोशिश जरूरी है। अगर कोई बस आनंदित है तो वो स्थिर हो जाएगा, वरना उसे कदम दर कदम काम करना होगा। तो अगर आपको कृपा पानी है तो आपके जीवन में कम से कम कुछ स्थिरता जरूरी है। ऐसा तभी होगा जब आपके जीवन में कुछ मौन होगा। अगर अभी नहीं हो पा रहा तो कम से कम थोड़ा सा मौन का अभ्यास। एक घंटे में आमतौर पर आप जितने शब्द बोलते हैं उसे आधा कर दें। अपनी गतिविधियां कम ना करें, वही बातें कहें लेकिन आधे शब्दों में। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपकी सामाजिक स्थिति क्या है, आर्थिक स्थिति, भौतिक स्थिति क्या है, आप एक राजा की तरह चलते हैं, क्योंकि आपके भीतर की शक्ति आपको इस तरह चलाती है।